गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं हूँ प्रतिभा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट। आज एमएससी फाइनल का जो 9th पेपर है उसकी सेकेंड यूनिट है लीव्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम फाइलोटैक्सी और लीव डेवलपमेंट, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है लीफ डेवलपमेंट क्या है। लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने बताया कि फाइलोटैक्सी जो है उस पर क्वेश्चन पुटअप हुआ था, और जो इसके बाद में लीव्स डेवलपमेंट भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे लीव्स डेवलपमेंट, लीव डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी और उसके बारे में। तो लीव डेवलपमेंट का मतलब है कि स्टेम पर लीफ का किस तरह से डेवलपमेंट होता है। लीफ की जो भी ओरिजिन है वो हमेशा स्टेम या स्टेम के ऊपर जो ब्रांच है उस पर होती है। उस पर भी ये एपिकल जो मेरिस्टेम होता है, प्ररोसीट्स जिसको हम कहते हैं, उस पर जो मेरिस्टेम होता है प्रो मेरिस्टमैटिक, तो प्रो मेरिस्टमैटिक सेल्स जो होती है उनके डिवीजन से होता है। प्रो मेरिस्टमैटिक जो सेल्स है उसके अंदर पेरिक्लिनिकल और एंटी क्लिनिकल दो डिवीजन होते हैं। तो जो स्टेम पर लीफ प्राइमोर्डिया बनता है, लीफ प्राइमोर्डिया कैसे बनेगा, यहाँ मैंने छोटा सा डायग्राम से आपको बताया है कि स्टेम में स्टेम पर जो सूट अपेक्स है वहाँ पे प्रो मेरिस्टमैटिक सेल है, उसके अंदर पेरिक्लिनिकल डिवीजन और एंटी क्लिनिकल डिवीजन। अब पेरिक्लिनिकल डिवीजन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स के साथ साथ लेयर ऑफ सेल्स भी बढ़ती है, और एंटी क्लिनिकल डिवीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, लेयर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ती है। तो इन दोनों डिवीजन की वजह से वहाँ पे कई सारी कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसको हम प्रोट्यूबरेंस कहते हैं, एक छोटा सा उभार होता है, और इसे ही हम साइंटिफिक टर्म में लीफ प्राइमोर्डिया कहते हैं, और लीफ प्राइमोर्डिया से ही लीफ का ओरिजिन होता है। लीफ प्राइमोर्डिया जो है वो लीफ की पूर्व निर्धारित जो स्थिति है उसके निश्चित स्थान पर बनते हैं, और एक स्थान पर इन लीफ प्राइमोर्डिया का जो सर्कल है या वलय है वो बनता है, और उस पर कई सारी कोशिकाओं का विभाजन होता है और नई लीफ प्राइमोर्डिया बनती रहती है। जिन शाखाओं और तनों पर इस तरह के ग्रोथ पॉइंट बनते हैं और कलिकाएं, बर्ड्स और नोड्स बनती है, उन्हीं पर ही ये लीफ का डेवलपमेंट होता है। जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, यानी कि जब बहुत सालों तक रहते हैं, जैसे नीम है और भी हमारे साथ पीपल है, इन सब के अंदर ओवरलैपिंग स्केल लीव्स पाई जाती है, वो एक दूसरे को ढकती है, तो वो भी हम एकदम क्लियर देख सकते हैं। अब लीफ का डेवलपमेंट या लीफ जो है उसका डेवलपमेंट के अंदर हम 5 स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले कि इनिशिएशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ, कि लीफ के इनिशिएशन कहाँ से होगा, उसका ओरिजिन कैसे होता है। सेकंड है अर्ली डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रारंभिक विभेदन, जो कुछ कुछ जो इससे रिलेटेड है। उसके बाद में है डेवलपमेंट ऑफ द लीफ एक्सिस, लीफ के बीच में जो एक्सिस है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ लेमिना, यानी कि जो लीफ एक्सिस के चारों ओर जो फलक होता है, जैसे पीटियोल पर लीफ लगी रहती है, तो एक तो मिड रिब होती है और उसके बाद जो हमें हरा हरा दिखता है जिसपे कई सारी रिब एक्सिस होती है, तो उसको हम कहते हैं लेमिना, पर्ण फलक जिसको हम हिंदी में कहेंगे। उसके बाद है कि पर्ण फलक में कई सारे टिश्यू, जैसे हम जैसे लीफ की टीएस काटते हो तो हम देखते हैं उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, सब होता है, पैलेसाइड टिश्यू होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, तो इसका हिस्टोजेनेसिस यानी कि उत्तक का जो जनन होता है वो किस तरह से होता है, तो ये 5 स्टेप है, इसके द्वारा हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा सूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में देख लेते हैं। सूट एपिकल फॉर्म कब होता है, तो ये भी डेवलपमेंट ऑफ लीफ का एक भाग है। सूट एपिकल मेरिस्टम इज फॉर्म्ड वेरी अर्ली इन डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होता है उससे पहले ही सबसे पहले बन जाता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इन एम्ब्रियोज एज अर्ली एज द ग्लोबुलर स्टेज फॉर्म। जब अब ग्लोबुलर स्टेज, यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसको डायग्राम से देख लेते हैं, ये देखिए जो जायगोट है उसमें डेवलपमेंट, उसमें डिविजन होगा, ऊपर वाली सेल कहलाएगी टर्मिनल सेल, नीचे वाली सेल कहलाएगी बेसल सेल, फिर टर्मिनल सेल में टू सेल्स डिवीजन होकर 2 सेल्स बन जाएगी और बेसल सेल भी डिवीजन होगी, लेकिन टर्मिनल सेल में हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो रहा है जबकि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है। तो इस तरह से 2 सेल ऊपर है और 2 सेल नीचे है एक दूसरे के ऊपर, तो 2 सेल से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और नीचे वाला जो 2 सेल है उसे सस्पेंसर यानी कि निलंबक, जिससे एम्ब्रियो को अपना पोषण या अपना फूड प्राप्त होगा। उसके बाद में ये 4 सेल का जो ऊपर है ये एम्ब्रियो है और नीचे सस्पेंसर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में ये जो सबसे नीचे है इसको ग्लोबुलर स्टेज, ये इस तरह से यहाँ पे इसको हम ग्लोबुलर स्टेज कहेंगे। ग्लोबुलर स्टेज में ही सूट एपिकल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं सूट मेरिस्टेम लेस एसटीएम,
वही पार्टिसिपेट करता है एम्ब्रियो के अंदर स्पेसिफिक सूट एपिकल मेरिस्टम की सेल को बनाने में। तो वो स्पेसिफिक सेल्स बनाते हैं, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ मेरिस्टम। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस रूडिमेंटरी लीफ प्राइमोर्डिया आर फॉर्म्ड, सो इन द मैच्योर एम्ब्रियो द मेरिस्टम इज मोस्टली फॉर्म्ड एंड रेडी टू गो फॉर द फर्दर डिविजन। तो ये ग्लोबुलर स्टेज के बाद में हम देखते हैं हार्ट स्टेज आई, क्योंकि यहाँ पे जो इसका एम्ब्रियो का जो शेप है वो हार्ट की तरह, यहाँ पे ग्लोबुल टाइप का है, तो उसको ग्लोबुलर स्टेज कहते हैं। उसके बाद में एसटीएम जो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है मेरिस्टेम के लिए, तो उसका डेवलपमेंट उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे हम इसको देखो, ये जो हर्ट स्टेज है उसकी नीचे वाली सेल को हाइपोफाइसिस कहते हैं, और नीचे वाला जो है वो सस्पेंशन है। उसके बाद में टॉर्पेडो स्टेज आ जाती है, जिसमें ये दो कॉटिलीडन बने, ये डाइकॉट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, तो इसमें दो कॉटिलीडन बन रही है, और दो कॉटिलीडन के बीच का जो पार्ट है उसको हम कहेंगे सूट मेरिस्टेम, और नीचे वाला जो है वो रूट मेरिस्टेम का डेवलपमेंट करेगा। तो इस तरह से फिर वापस हम इस नोट्स पे आ जाते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ गया कि मेरिस्टेम के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो सूट मेरिस्टेम लेस है। देन स्ट्रक्चर ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम, इसकी कैसी स्ट्रक्चर होगी? तो हम सब जानते हैं कि जो ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन है सूट एपिकल मेरिस्टेम में, सबसे ज्यादा उसी का ही रोल है। तो ट्यूनिका के पास दो लेयर होती है मेनली, तो एक से एपिडर्मल का निर्माण होता है जिसे हम L1 कहते हैं, वो भी एंटीक्लिनिकल डिवीजन के द्वारा, और नीचे वाली जो है सब एपिडर्मल जिसको हम कहते हैं L2। इसको एक और मैं एक सेकेंड, ये देखिए सूट एपेक्स है इसका, ये एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम जब ग्रोथ करता है तो उसके पीछे का जो भाग रह जाता है उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। उसमें ग्रोथ की वजह से इसकी साइज बड़ी होती है, और ये एपिकल मेरिस्टेम है, साइड में जो रह गया वो मार्जिनल मेरिस्टेम कहलाता है। और मार्जिनल मेरिस्टेम के और एपिकल मेरिस्टेम के बीच का ये प्लेट मेरिस्टेम है। और ट्यूनिका जो है उसकी दो लेयर होती है, आउटर और इनर। आउटर लेयर से एपिडर्मिस का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं L1 लेयर, और इनर जो लेयर है जिसको हम इनर लेयर प्लस कॉर्पस इसकी L2 और L3 का निर्माण करता है। L2 और L3 लीफ मेसोफिल यानी कि लीफ के अंदर जो पाए जाने वाला मध्योतक है, लीफ मेसोफिल्स और वेस्कुलर बंडल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये देखो यहाँ पे कि जो सूट एपिकल मेरिस्टम है उसके 3 जोन्स होते हैं, सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन और रिब जोन। तो सेंट्रल जोन जो है इट इज द टॉप जोन ऑफ द सूट एपिकल मेरिस्टम विच हैव अनडिफरेंशिएटेड सेल विद अ लार्ज वैक्यूल्स। दीज सेल्स डिवाइड रिलेटिवली सोज, दीज सेल्स आर रेफर्ड एज स्टेम सेल। डिवीजन इन सेंट्रल जोन पुशेस सेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि जो डिवीजन होता है सेंट्रल जोन में ये सेल्स को पुश करता है आउटर और इनर के लिए। इससे ही जो 3 लेयर्स होती है L1, L2, L3 इनका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल जोन, इट सराउंडेड सेंट्रल जोन फॉर्म्ड ऑल साइड। ये सेंट्रल जोन को चारों तरफ से, यहाँ CZ का मतलब सेंट्रल जोन है, चारों तरफ से घेरता है। ये सेल्स डिवाइड रैपिडली, बहुत फास्ट यहाँ पे सेल डिवाइड होती है, एंड बिकम डेस्टिनेटेड एज फाउंडर सेल। जो फाउंडर सेल है उसका यहाँ पे डेजिग्नेशन होगा, एंड स्टार्टेड टू बिकम लीफ प्राइमोर्डिया फ्लावर एक्सेट्रा। इट कंसिस्ट ऑल्सो L1, L2, L3, यानी कि सबके पास L1, L2, L3 लेयर्स है। देन रिब जोन, रिब जोन है ये बेसल जोन होता है, ये जो सी जोन का बेसिक जोन है। द रिब जोन कॉन्ट्रीब्यूट सेल्स और टू द स्टेम इंक्लूडिंग द वेस्कुलर एंड द पिथ ऑफ द स्टेम, इट्स इंक्लूडेड ओनली L3 लेयर। यहाँ पे सिर्फ L3 लेयर का ही पार्टिसिपेट होगा। ये वापस यहाँ पे देखिए, सूट ऑर्गेनाइजेशन में एपिकल मेरिस्टेम है जो प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहलाता है। इससे 3 चीजों का निर्माण होगा, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म जो है वो एपिडर्मिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, प्रोकैम्बियम जो है ये जो मिडल जो होता है कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है, एंडोडर्मिस उसके लिए, और ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो वेस्कुलर बंडल के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे जो लेयर्स है इसको आप एकदम क्लियर दिख जाएगा, ये देखिए ये मैंने अभी जो बताया था बीच वाला एपिकल मेरिस्टम है जो आगे की ओर बढ़ता है, इधर का ये इस तरह से प्राइमोर्डिया है बड, और ये जो बीच का है ये लीफ ट्रेस गैप कहलाता है। यहाँ पे ये लीफ ट्रेस है और ये प्रोकैम्बियम है, इसके बाहर की जो लेयर यहाँ पे प्रोटोडर्म है, और ये लीफ प्राइमोर्डिया जिसे लीफ का डेवलपमेंट होगा, और ये सारा जो बीच का है वो ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा, ग्राउंड मेरिस्टम कहलाएगा। ये थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है पर मेरी आवाज पे ध्यान देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम के 3 भाग है, प्रोटोडर्म है, देन ग्राउंड मेरिस्टेम है और प्रोकैम्बियम, अभी हमने पढ़ा था।
प्रोटोडर्म। आप एक पेंसिल से अपने नोट्स के अंदर लिख देना, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। अब प्रोटोडर्म जो है वो एपिडर्मिस का निर्माण करता है। मैंने यहाँ पे नीचे एक ग्रीन पेन से लिख दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए, ये प्राइमरी टिश्यू कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में जो ग्राउंड मेरिस्टेम है उसके अंदर तीन चीजों का निर्माण होगा, एक तो है पिथ, बीच में कॉर्टेक्स एंड देन मिजोफिल। कॉर्टेक्स हम सब जानते हैं, मिजोफिल जो मध्योतक होगा, और ये पिथ है। जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्क कैम्बियम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और कॉर्क कैम्बियम जो है वो पेरिडर्म का निर्माण करेगा, जिससे कि उसकी छाल और उस सब जो मतलब उसका बाह्य आवरण जो है उससे डेवलप होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होगा, और इसके बाद में जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसका निर्माण होगा, देन इसमें डेवलपमेंट होगा और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। तो ये फ्लो चार्ट है जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये जो ब्लैक ब्लैक थे ये मैंने एकदम से क्लियर लिख दिए हैं, और बाकी बोल के बता दिया, तो आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर देना। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन ऑफ लीफ। लीफ का डिफरेंशिएशन तीन भागों में होता है, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है कि इस तरह के फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर, जिससे वो डेवलपमेंट फॉर्म बन जाती है मेरिस्टमैटिक टू मैच्योर स्टेट। यानी कि उसका अब मेरिस्टमैटिक जो पार्ट है यानी कि उसका डिवीजन जो है वो तो स्टॉप हो गया है, और वो कोई एक मैच्योर स्टेट के लिए या कोई स्पेसिफिक कार्य के लिए डेवलपमेंट उसका हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। सीधा मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बताऊं तो कोई भी कोशिका जो है उसके अंदर इस तरह का चेंज आना कि उसका जो विभाजन है वो रुक जाए और वो विशेष कार्य के लिए विभेदन हो, तो इस तरह का जो फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन एंड अर्ली डिफरेंशिएशन जो होगा उसमें आप देखिए, लीफ प्राइमोर्डिया आर फॉर्म्ड ऑन द फ्लैंक ऑफ द सूट एपिकल मेरिस्टेम इन अ रेगुलर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द फाइलोटैक्सिस। द इनिशिएशन ऑफ लीफ इज मार्क्ड बाय पेरिक्लिनिकल डिवीजन एंड द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल इन द पेरिफेरल रीजन ऑन द फ्लैंक्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। यूजुअली सेकेंड और थर्ड लेयर ऑफ सेल्स ऑफ द मेरिस्टमैटिक एपिकल मेरिस्टेम इन इन्वॉल्व इन लीफ इनिशिएशन। लीफ का जो इनिशिएशन है उसमें इनका रोल होगा। बट इन ग्रासेस द इनिशिएशन डिविजन अकर्स इन द सर्फेस लेयर। जो ग्रासेस फैमिली है उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ चेंज है। द इनिशिएशन पेरिक्लिनिकल डिविजन आर फॉलोड बाई एंटी क्लिनिकल एंड पेरिक्लिनिकल डिविजन इन द डेरिवेटिव of tunica and neighboring cells of the corpus. It is the result of a continued cell division as a lateral protrusions it form on the apical meristem which is known as leaf primordia. Further growth of the leaf primordia is attributed to the activity to several system meristem that is apical meristem. ये जो मैंने आपको आगे जो सबसे पहले डायग्राम से समझाया था उसी की ये लैंग्वेज है। फिर है एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी ग्रोथ। यानी कि द ग्रोइंग प्रोमोडिया जो लीफ प्राइमोर्डिया बनी है उसका जब ग्रो आगे उसका कैसे ग्रोथ होगी उसके बारे में, तो द ग्रोइंग लीफ प्राइमोर्डिया हैज एन एपिकल मेरिस्टेम एट द टिप, बट दिस मेरिस्टेम इज इन एंजियोस्पर्म लूजेस इट्स एक्टिविटी एट अ रिलेटिव अर्ली स्टेज टू द डेवलपमेंट। फर्दर इंक्रीज इन द लेंथ of the leaf primordia is the result of general cell division and the cell elongation by intercalary meristem. मैंने आपको एक डायग्राम में बताया था, वो डायग्राम नहीं थी है, ये रहा ना, अब आपको यहाँ से दिख गया होगा इंटरकैलरी जो ये ग्रोथ होती है यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और जो साइड में रह जाता है वो मार्जिनल मेरिस्टेम है। तो आप डायग्राम को अपने साथ रखेंगे बना के तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेकेंड है मार्जिनल मेरिस्टेम। अब ड्यूरिंग द इलोंगेशन ऑफ द लीफ प्राइमोर्डिया सेल्स ऑफ द मार्जिनल ऑफ द लीफ एक्सिस डिवाइडेड मोर एक्टिवली एक्टिवली एंड कोसिक्वेंटली डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ मिड रिब एंड अ टू विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये देखिए आप, टू विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये, तो ये मार्जिनल मेरिस्टेम है, और एपिकल मेरिस्टेम जो है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा, मार्जिनल मेरिस्टेम साइड की ओर, जो टू विंग लाइक स्ट्रक्चर differentiated into the midrib and two winged like structure of the leaf blade. The marginal meristem are responsible for the lateral extension. जो lateral extension होगा leaf का उसके लिए जो responsible meristem है वो marginal meristem होगा. The petiole leaves the marginal growth is suppressed in the basal portion of the leaf एक्सिस एंड थस अ पीटियोल डेवलप। और पीटियोल डेवलप के लिए जो लीफ का मार्जिनल ग्रोथ होगी उसको सप्रेस्ड करके एक वहां पे बेसल फॉर्मेशन होगा।
देन मार्जिनल मेरिस्टेम जो है उसके अंदर दो सेल्स होगी, मार्जिनल इनिशियल और सब मार्जिनल इनिशियल। मार्जिनल इनिशियल जो है आर द सेल्स ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर एंड देन डेवलप्ड एंटीक्लिनिकली एंड एड न्यू सेल्स टू द एडेक्सियल एंड एबेक्सियल प्रोटोडर्म ऑफ द लीफ। सब मार्जिनल इनिशियल जो है वो लोकेलेटेड होगी बीनीथ द मार्जिनल इनिशियल डिवाइड इन द वेरियस प्लान एंड गिव राइज टू द इंटरनल टिश्यू ऑफ द लेमिना। अब नेक्स्ट है एडेक्सियल ग्रोथ कैसे होगी, जो लीफ की ऊपरी सतह है और एक निचली सतह है, एबेक्सियल और एडेक्सियल अलग अलग। तो पहले हम पढ़ेंगे एडेक्सियल ग्रोथ। अ स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम सेल द एडेक्सियल मेरिस्टेम डेवलप्स बिलो द एडेक्सियल प्रोटोडर्म। द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम डिवाइड्स पेरिक्लिनिकली एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द थिकनेस ऑफ द लीफ। ग्रोथ इन थिकनेस ऑफ द पीटियोल एंड मिड रिब इन मेनली ड्यू टू दिस मेरिस्टेम।